खबर बरेली से है, जहां पर फरीदपुर में करोड़ों खर्च के बावजूद भी गलियों में कोई साफ सफाई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि मोहल्ले में फैली गंदगी की वजह से आवागमन जो है वो ठप हो गया है। वहीं गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। हमारे संवाददाता मुनीष गुप्ता ने वहां पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहां का हाल जाना। वहीं ईओ नितिन कुमार गंगवार से संवाददाता ने फोन पर वार्ता करने पर मामले को देखवाने का आश्वासन दिया है। हेलो हेलो जी, ईओ साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ ये साहब। नमस्कार, मुनीश गुप्ता बोल रहा हूँ, केकेडी न्यूज चैनल बरेली से। कौन बोल रहे हैं? मुनीश गुप्ता बोल रहा हूँ, केकेडी न्यूज चैनल बरेली से। इस समय हम नगर फरीदपुर पहुँचे हुए हैं, मोहल्ला कशाबान में। यहाँ पर जो है 5-6 गलियों में हमने देखा है कि काफी गंदगी इकट्ठी है और यहाँ गंदगी से बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल के लिए भी जा रहे हैं और कुछ लोग भी निकल रहे हैं। कई गंदगियां ब्लॉक हो चुकी है गलियां, तो सर इसमें जो है क्या कार्रवाई की जा रही है? जी आपको जानकारी होना चाहिए, अभी साफ सफाई का टाइम है जी, जब तक साफ सफाई चलती है 10-11 बजे तक। नहीं अभी नहीं, कई महीनों से भरा हुआ था। अभी आप बता रहे कि अभी हम गए हैं? नहीं, मैं अभी पहुंचा हूं, यहां मोहल्ला वालों से बात की है। फिर ये 10-11 बजे तक उठाने का कार्य होता है, उसके बाद जी यहाँ भैया साफ सफाई कभी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे इतना जलभरा हुआ है पूरी सड़क में कि आप परियों से जलभरा हुआ है यहाँ पे। नहीं तो तुम मलिया निचला इलाका होगा, 5-6 गलियां हैं यहाँ पर। साफ सफाई और जलभराव दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी जी, आप अगर कंफर्म कर लीजिए, साफ सफाई की बात कर रहा है या जलभराव की बात कर रहा है? नहीं, जलभराव की मैं बात कर रहा हूँ, गंदगी काफी इकट्ठी है, बीमारियां उत्पन्न हो रही है। नहीं, आप अभी आप साफ सफाई कर रहे थे, कूड़ा नहीं उठा आप कर रहे? कूड़ा उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गंदगी भरी हुई है सड़कों पर, 5-6 गलियां हैं और ये लगातार कई महीनों से भरी हुई है। आपके यहाँ साफ सफाई नहीं होती क्या? कई महीनों से भरी हुई है, चलो मैं तब दिखवा लूंगा। मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, जी जी, कश्यपान मोहल्ले मस्जिद के पास है, स्कूल है वहाँ पे। ठीक ओके भैया। तो ये बताइए, ये जो घर आपका है, दरवाजे पे यहाँ पानी भरा हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितने समय से पानी भरा हुआ है? तो बहुत समय से पानी भरा है और काफी गंदगी भी है, यहाँ से लोग निकलते हैं क्या? जी निकलते हैं। तो ये आप लोगों ने कभी इसका मुद्दा उठाया है नगर पंचायत वगैरह से या SGM वगैरह से, कोई शिकायत वगैरह की है? नहीं, कोई शिकायत वगैरह नहीं। टंडोलिया वगैरह से बात हुई क्या आपकी? नहीं नहीं। तो उन्होंने कभी आके देखा इस चीज को? किसने? नगर पंचायत वालों ने? नहीं, नगर पंचायत वाले आते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं। सफाई कर जाते हैं? तो ये सफाई तो ऐसे हो दिखी नहीं रही, सामने गंदगी है, सफाई तो दिखी नहीं रही है, इसमें सफाई क्या कर जाते हैं? जी कूड़ा वाला झाड़ के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, सड़क वगैरह कब से नहीं बनी है? काफी टाइम से नहीं बनी है। कितने साल हुआ है? करीब 1 साल हो गए। अच्छा, तो अगर मोहल्ला जो है फरीदपुर कश्याबान के लोग मौजूद हैं, उनसे हमारी बात चल रही है और आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मास्टर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके की उनकी मांग है। क्या नाम है आपका? जागरो सैनी। तो यहाँ पर जो है आप कश्याबान मोहल्ले में रहते हैं? जी हाँ। तो क्या स्थिति है कश्याबान मोहल्ले की, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हमारे चलते बात यह है कि इसको 8-9 महीने हो गए पानी को भरे हुए और बहुत भयानक गंदगी है इसके अंदर। अगर इस पानी को छेड़ दिया जाए तो मैं कहता हूँ जो कभी ऐसी गंदगी ना रहा वो रुक नहीं पाएगा यहाँ पर, ऐसी गंदगी है। इससे किस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है? किस तरीके की डर तो यह है कि कहीं महामारी फैल गई तो इसकी जद में सारे ही लोग आएंगे, हम ही यहाँ पर नहीं बल्कि इसको हमारे ये स्थानीय नगर विकास जो लोग हैं वो उसको देखें और इसको कराएं काम को। इसमें हमारे वार्ड के सभासद हैं, उन्होंने कोशिश की या नहीं की ये तो नहीं मालूम, फिलहाल काम नहीं हो पाया। यही पास में ही रहते हैं, वो दूर भी नहीं है। तो यहाँ पे कितनी गलियाँ ऐसी हैं जिनमें गंदगी व पानी भरा हुआ है? ऐसी तो गली ये 4-5 गली हैं यहाँ सामने से लेके और ये साइड से, और करीब 150-200 मीटर होगा मेरे ख्याल। अच्छा, इसका मेन कारण क्या है जिस वजह से गंदगी जमा हुई है यहाँ पर? मेन कारण ये था, ये रोड नीचा है और इसका पानी पहले पीछे खेत में जा रहा था टैगोर के, उन्होंने अपने खेत का पानी बंद करने की वजह से ये पानी सारी बस्ती का यहीं पर आ रहा है, जो ढाल है उसका यहीं पर पानी आ रहा है, तो सारा पानी यही रास्ते पर रुका हुआ। और बहुत बरसात का था तो उस वक्त बहुत स्थिति खराब थी, यहाँ स्कूल के बच्चे इस गंदगी में गिरते हैं और ड्रेस फिर बदल के आ रहे हैं, माँ बाप भेज रहे दोबारा सेट करके, फिर दोबारा फिर वही हाल हो रहा है स्कूल के। मैं कहता हूँ अगर कितने बच्चे उसमें 20-25% से ज़्यादा गए सिलेंडर हो गए अपने घरों पर, नहीं गए। अच्छा अच्छा, स्कूल नहीं जा रहे हैं? हाँ, स्कूल नहीं है गंदगी वजह से, बहुत गंदगी की वजह से। जी, तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से और नगर पालिका परिषद से? नगर पालिका इसको अच्छे से ध्यान दे और इसको कराए, क्योंकि ये बहुत भयानक स्थिति इसकी गंदगी के साथ बनी हुई है कि कहीं महामारी फैल गई तो फिर। अच्छा, नमाज वगैरह भी जाते होंगे तो? जी बिल्कुल, मस्जिद करीब है, नमाज के लिए जाने में
ये थोड़ा सा यहाँ से रास्ता हम लोगों ने पटान करके थोड़ा अपनी मजबूरी के तहत तो रास्ता बनाया, वरना आप देख रहे हैं एरिया नहीं। और इसको बस बात यही है, किस मोहल्ले में रहती है इस समय? कस्साबाद। कहाँ पड़ता है? फरीदपुर में है क्या? जी फरीदपुर में। तो ये बताइए यहाँ पे जो जलभराव की समस्या है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार के लिए? क्या कहना चाहेंगे, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान है, गली में गंदगी भरी, दरवाजे पे बच्चे देख लेते खाना नहीं खाते, बच्चे जूते मोजे बैग में रख के लेगा, थैली में बोतल पानी निकल के गंदे में से गए स्कूल, फिर पैर धो के फिर आगे जाके सूखे में पहुंचे तब बच्चे ने स्कूल गए। कब से गंदगी भरी हुई है? जिसको होगा 7-8 महीने। 8 महीने करीब हो गए। तो इस तरीके की समस्या के लिए आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी या नगर पंचायत विभाग से कहा? हमारे मोहल्ले में बहुत लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, SDM के पास भी गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ने कहा कि अगर लोग अचार आगे हैं तो पीछे से हम भी हैं। फिलहाल हमारे शौहर परदेश में रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, घर में बिजी रहते हैं, कुछ काम धाम भी करते हैं। इस पानी से किसी तरीके की बदबू वगैरह भी आती है? बहुत ज्यादा बदबू, बच्चे खाना नहीं खाते हैं। हाँ, निकल इतनी बदबू आती है। तो इसके लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? यही मांग करना चाहेंगे, रास्ता सही हो। मैं हम नगर फरीदपुर पहुंचे हुए हैं मोहल्ला कस्साबाद में, जहाँ पर ये मोहल्ला जो है गंदगी की ओर चपेट में आ चुका है पूर्ण रूप से, और कई गलियां जो हैं गंदगी से जो है बजबजा रही हैं, बदबू आ रही है, यहां से निकलने वाले लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे गंदगी में गिरकर स्कूल पहुंचते हैं और घर पहुंचते हैं तो गार्जियंस भी परेशान हैं कि क्या करें, इस गंदगी से कैसे निजात मिले। यहां पर जो है लगातार प्रशासन और नगर पालिका की जो है भारी जो है लापरवाही देखी जा रही है। ये मोहल्ला पूर्ण रूप से गंदगी युक्त बदबूदार मोहल्ला साबित हो रहा है। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कई गलियों से लोग गंदगी से गुजर रहे हैं और लोगों ने मिट्टी डाल करके जो है रास्ता बनाया है, तो कहीं कट्टे डालकर मिट्टी भर के उसमें जो है रास्ता बनाया है और लोग फिर भी उसमें बच्चे गिर जा रहे हैं तो लोग गिर जा रहे हैं और ये बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अभी हमारी जिला प्रशासन द्वारा बात संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हुआ, लेकिन अभी मेरी अधिशासी अधिकारी फरीदपुर नितिन गंगवार से बात हुई है, उनका कहना है कि मैं मामले को दिखवा लेता हूं। यहां पर मोहल्ला वासियों का कहना है 7-8 महीनों से ये गंदगी बरकरार है और घरों में भी गंदगी घुस रही है, घरों से पैर निकालते ही गंदगी में देना पड़ता है पैर जानबूझ करके, क्योंकि ये आगे रास्ता नहीं है, ये रास्ते पूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुके हैं, गंदगी के शिकार हो चुके हैं, लोग भी गंदगी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन जहां जो है जिला प्रशासन का दावे करता है सफाई अभियान चलाने के, स्वच्छता अभियान के, तो वो दावे यहां पर जो है एकदम ध्वस्त साबित हो रहे हैं। योगी सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने वाली नगर पालिका परिषद के कार्य यहाँ पर सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है मोहल्ला कस्साबाद में। आइए, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके से गलियां बदबूदार पानी से बजबजा रही हैं, बदबू आ रही है, लोग बीमारी की शिकार हो रहे हैं, संक्रामक रोग फैल रहे हैं, यहाँ पर मोहल्ले वाले परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है और ना ही यहाँ पर आकर देखना चाहता है कि किस तरीके से मोहल्ला वाले इस गंदगी से जूझने को मजबूर हैं, निकलने को मजबूर हैं, बीमार हो रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए कि डेंगू की जो है मरीज संख्या बढ़ रही है, लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ते हुए, अस्पताल फुल हैं, भर्ती हो रहे हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा किसी तरीके की कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही कायम हो चुकी है, इस वजह से जो है प्रशासन अपनी मनमानी में कायम है। आइए हम दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरों में किस तरीके से गंदगी यहाँ पे जो है गलियों में जो है बजबजा रही है। ये मोहल्ला कस्साबाद फरीदपुर बदबूदार मोहल्ला कहलाया जा रहा लगा है, क्योंकि यहाँ पर नमाज पढ़ने जाते लोग हैं वो भी इस गंदगी से निकल रहे हैं।